हेलो किसान भाई, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक घरेलू नुस्खे के बारे में बात करेंगे, जिससे कि जैसे कोई पशुपालक अपनी पशुशाला में पशुओं को कसता है और उसके कुछ पशु ऐसे होते हैं जो खुनेटे में खुट खुट करते हैं, या उनके सींगों में कीड़े या फिर मकौड़े जो कुछ भी हो, और उनका इलाज डॉक्टर द्वारा कराया जाता है तो डॉक्टर भी इनका लंबा इलाज करता है और फिर भी यह ठीक नहीं होता है। तो इसी विषय में आज हम आपको एक घरेलू नुस्खा बताएंगे, जिससे कि इसका पूरी तरीके से खुटखुट करना बंद हो जाएगा। आपको वीडियो द्वारा मैंने बताया है कि किस प्रकार से पशु खुटखुट करके अपने खुनेटे को मिटा देते हैं, और इन पशुओं को जो मतलब खुटखुट करने वाले पशु होते हैं उनको किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, कैसे इसको डाला जाता है, ये क्या चीज़ है, तो हम आपको सभी बताएंगे। ये कुल मिला के ऑयल है जो अचार के लिए उपयोग में किया जाता है, सरसों का ऑयल। तो आप पूरा वीडियो देखें, मैं इसको लगाने की भी प्रोसेस बताऊँगा और इसको कितना उपयोग करना है, कितने टाइम पे उपयोग करना है और कितनी बार उपयोग करना है। तो सबसे पहले आप तेल को गरम कर लें, और जैसे ही आप तेल को गरम करें तो हल्का कुनकुना रहने दें, जिससे कि सींग में जाके ज़्यादा गरम भी ना हो, नहीं तो पशुओं को नुकसान भी हो सकता है। और थोड़ी थोड़ी मतलब हल्की आँच में आप इसे गरम कर लें, साथ ही मतलब आप इसको सिर्फ 100 ग्राम तेल लेना है, 100 ग्राम तेल मतलब दो या तीन पशुओं के सींगों में डालने के लिए आपको 100 ग्राम तेल लेना है, और उसको हल्का सा गरम करना है स्टोव की सहायता से, एक सी आँच आना चाहिए। और इसके बाद इसको समथिंग 15 दिन में दो बार लगाना है, जिससे कि आपके पशु का जो खुटखुटा करने की आदत है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको 15 दिन में दो बार लगाना है, पहली बार लगा दिया, उसके बाद 8-10 दिन बाद फिर लगा दिया, तो 15 दिन जैसे ही आप दो बार पशु के सींग में लगाएंगे तो ये पूरी तरीके से खुटखुट करना बंद कर देंगे। और इसी के साथ आप वीडियो देखते रहें, मैं इसको लगाने की प्रोसेस भी बताऊंगा। इसके लिए आपको एक तो सरसों का तेल चाहिए, और उसी के साथ में आप रुई ले लें, रुई जिसकी सहायता से आपको तेल लगाना है। अब आप इस गरम तेल को एक ठंडी कटोरी में अलग से डाल लें और इसमें रुई डाल लें, ये मतलब इतना गरम ना हो कि आपके हाथ को ना लगे, आपको जलन नहीं होना चाहिए इससे, और ना कि आपके कोई त्वचा को इसका प्रभाव पड़े। तो इस प्रकार से आप जो कटोरी में देख रहे हैं इसी प्रकार से आपको रुई भिगोना है, और इसके बाद पशुओं के पास ले जाकर और उनके कानों में कुछ इस तरह से लगाना है कि जैसे ही आप ऊपर से तेल लगाएंगे सींग के साइड में तो वो तेल आपका नीचे पहुंचना चाहिए, मतलब झिर के नीचे जाना चाहिए, बिल्कुल सींग की साइड में लगाना है, बिल्कुल मतलब उसको 2-3 मिनट तक अच्छे से घिसना भी है, जिससे कि पशुओं के बिल्कुल जहाँ भी कीड़े होंगे उनको नष्ट कर देंगे। आपको ये प्रोसेस 15 दिन में दो बार करनी है। आप देख सकते हैं मेरे मतलब जो पशु हैं, मतलब एक जो नई पड़िया है उसके द्वारा खुटखुट कुछ ज़्यादा रूप से किया जाता है, तो मैं उसे इस डाल रहा हूँ। इसके पहले मैं दो पशुओं पे और इसका उपयोग कर चुका हूँ, जिसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिला है, और मेरे द्वारा बिल्कुल ये देखिएगा आप, बिल्कुल सींग को अच्छे से नहला दिया गया है इस तेल में, और इसी के बाद आप एक बार और डाल दीजिएगा तो इसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, और पशु ज़्यादा तंग भी नहीं करेगा, आपको अच्छे से लगवा भी लेगा। आप देख सकते हैं, तो प्लीज़ इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही
बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।